सब लोग द कॉपी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीरोक्स B1025 के बारे में, जो कि मशीन में प्रॉब्लम आ रहा है ब्लैक कॉपी का। ये देखिए सैंपल हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हम लोग जीरोक्स कर रहे हैं या फिर प्रिंट कमांड दे रहे हैं या फिर कॉन्फ़िगरेशन पेज निकाल रहे हैं तो भी एकदम ब्लैक कॉपी आता है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि ऑलरेडी इस मशीन में हम लोग नया ड्रम यूनिट भी डाल दिया है और पावर पैक भी डाल दिया है, जो हाई वोल्टेज पावर पैक होता है उसको भी डाल दिया है, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्विस मोड पे जाएंगे। सर्विस मोड में जाने के बाद यहाँ में 1934 कोड को डाल के एक्सेस करेंगे। यहाँ में हम लोग आएंगे, इनिशियलाइज आर एनपी करेंगे और यहाँ पे मेमोरी क्लियर कर देंगे। इससे ये होता है मशीन में जो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप चलते चलते मशीन में जो मशीन का वैल्यू रहता है अपने आप इंक्रीज़ हो जाता है या अपने आप डिक्रीज़ हो जाता है, तो वो चीज़ हम लोगों को पता नहीं चलता है। तो इसको या तो हम लोग मशीन में फॉर्मवेयर अपडेट करके सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेमोरी क्लियर करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग मेमोरी क्लियर ज़्यादातर मत करना, फॉर्मवेयर अपडेट करके चेक कर लेना। ख़ास तौर से इस मॉडल के लिए हम लोग यहाँ में मेमोरी क्लियर करके इस वीडियो में हम आपको दिखाया है। तो ये देखिए हम लोग यहाँ में मेमोरी को क्लियर कर दिए हैं और ये मेरा मशीन ऑन हो रहा है। ये अभी तक प्रोसेसिंग में ही है, अभी ऑन भी नहीं हुआ है। हाँ, अभी ये बटन का जो की का लाइट है वो ऑफ हो गया, अभी ये ऑन भी हो गया है। थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी ये ऑन हो जाएगा और उसके बाद जैसे ये मशीन रीसेट हो गया है तो आपका लैंग्वेज वगैरह, आपका जैसा कंट्री वगैरह सब फिर से फिट करना पड़ेगा और साथ में जो कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट रहता वो और बैनर पेज ये अपने आप से इनेबल हो गया है। तो इसको डिसेबल कैसे करते हैं, इसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वहाँ से वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइम एंड डेट जोन और आपका ये सब सेट कर लेंगे और यहाँ पे फॉर्मवेयर को डिसेबल कर देंगे। फिर से एक बार मशीन को रिस्टार्ट करेंगे यहाँ से, अभी प्रोसेसिंग में है, एक बार वेट कर लीजिए। अभी रीस्टार्ट हो गया है, अभी टाइम लगेगा अभी ऑन होने में। ये मेरा मशीन रेडी हो गया है। चलिए हम यहाँ में ज़ेरॉक्स मार के चेक करेंगे। सबसे पहले हम 3 में पेपर लोड कर देंगे, बाईपास में लीगल पेपर और A4 में जो है वो 3-1 में। तो बाईपास में हम लोग लीगल पेपर ये सेट कर दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉपी फीचर्स में आएंगे। ये देखिए जो ट्रेक ऑप्शन है यहाँ पे बाईपास का, यहाँ पे साइज पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लीगल पेपर दे देंगे, सेट हो गया। और यहाँ पे हम लोग
कॉपी फीचर्स में आते हैं। यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल साइज और ट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ऑटो सिलेक्शन है, यहाँ पे हम लोग लीगल पेपर ओके, और यहाँ पे ओरिजिनल साइज, यहाँ पे लीगल पेपर ओके, यहाँ पे पैक आ जाएंगे। तो उसके बाद हम लोग जो मेरा ओरिजिनल पेपर है उसको हम ग्लास में रखेंगे। ये देखिए मेरा ओरिजिनल पेपर है, हम लोग ग्लास में रखेंगे। पहले हम लोग जेरोक्स निकाले थे, एकदम ब्लैक ब्लैक कॉपी है। अभी हम लोग जेरोक्स किए हैं, उसका रिजल्ट क्या आता है ये देखिए, मेरा आउटपुट है एकदम क्लियर हो गया है, एकदम क्लियर, एकदम प्लेन पेपर, वाइट पेपर निकल रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट है और आपका बैनर पेज है उसको हम लोग कैसे डिसेबल करते हैं। इस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।